अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अभी फिलहाल मौसम बहुत प्यारा हुआ है, मैं कभी घर से निकलने लगा और घर से निकलने से पहले दरवाजे के नीचे से मुझे बहुत सारे पैर नजर आ रहे हैं और आवाजें आ रही है, काकू भाई सेल्फी सेल्फी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? क्या ही हसीन मौसम हुआ है। और आज के ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो गुड न्यूज वो आप लोगों को बाद में बताएंगे क्योंकि वो कल होनी है ऑफकोर्स, और जो बैड न्यूज है उसी के साथ ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये चीज जो गुलबर्ग ग्रीन्स की जो मैनेजमेंट है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। जिस बंदे ने किए हम आपको उसके हवाले कर देते हैं, आप उसे खुद काट लो या तो हम आपको उसकी सैलरी से कट करके दे देंगे। इंतहाई कोई अफसोस की बात है कि इतना कमाते हैं ये, इतना इनका इतना बड़ा गुलबर्ग है, लेकिन इन लोगों ने एक गरीब जिस बंदे ने स्कर को हिट किया था वो अब मजदूर है, वो काम करता है, पानी देता है पानी के टैंक से। खैर वो बंदा बेचारा मजदूरी करता है इतनी धूप के अंदर। अभी तो फिलहाल अच्छा हुआ मौसम, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत गंदा मौसम होता है। ये जो मैनेजमेंट वालों की ये बात थी ना कि हम उसकी सैलरी में से कट करके उस बंदे की जो सैलरी हमने पता करवाया, तो 22,000 रुपए एक सैलरी थी उस एक बंदे की, ठीक है, उसकी 3 महीने की सैलरी कट करेंगे तब जाके इसका डैमेज रिकवर होगा। मैं अब इतना तो दरिंदा नहीं हूँ कि मैं उस बंदे की सैलरी में से लूंगा। अगर मैं काकू का फैन होता ना तो वल्लाही मैं जाता गुलबर्ग वालों के जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाके लिखता शेम ऑन गुलबर्ग ग्रीन्स मैनेजमेंट। अब वो लोग उस बेचारे की सैलरी में से कट करने के सोच रहे हैं, तो उनको सीधा जवाब यही दे दिया कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए इस तरह का पैसा। सिर्फ 50,000 रुपए के लिए गुलबर्ग मैनेजमेंट वालों ने अपनी औकात दिखा दी। मतलब 50,000 रुपए कोई चीज नहीं है लोगों के लिए, लेकिन ये जो गिरी हुई बात की ना, इतनी नीची बात की है कि हम उस बंदे की सैलरी में से कट करके आपको दे सकते हैं। देखो भाई बात सिंपल सी है, अगर आप किसी को हायर करते हो तो आप ऑफकोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो सारी की सारी के वो बंद, क्योंकि वो बंदा आपके अंडर होता है, आपको देख के बंदे को लेना चाहिए। सही, अब चलो छड्डो जान दो उस बंदे ने मार दी, ठीक है कोई मसला नहीं, 50,000 रुपए कोई मसला नहीं, रोजाना का खर्चा इसका और मेरा रोजाना का खर्चा 50,000। मैं गरीब के अकाउंट में से 50,000 रुपए नहीं ले रहा, मैं इसको खुद ठीक करवा लूंगा। एक तो पिछले 10 दिनों से इन लोगों ने अखबार किया, आज 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं इस बात को, और 10 दिन से ये कल करते 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 अब 10 दिन कंप्लीट हो गए, तो बस होगी। अब वैसे भी मैंने कल लाहौल के लिए निकलना है, ये सारी की सारी अपडेट थी। मेरा भी अब दिमाग खराब हुआ है इस चीज से निकलने में, थक गया हूँ कसम से इन लोगों के चक्रों में ना। अब कल हम लोग लाहौर जाएंगे, लेकिन लाहौर जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज जो कि आप लोगों को कल ही पता चलेगा। और इधर भी मुझे इसके कुछ ऑप्शन वगैरह नजर आते हैं, ऐसे लगते हैं इस गाड़ी के ऊपर ना किसी ने कोई काला जादू कर दिया। सारी दुनिया जहाँ के मसले इस बेचारी नाल होते हैं। ये चक्कर हो यहाँ पे, एक तो पेट्रोल ऑफ कोर्स फ्यूल का जो मसला है वो तो वैसे ही चलता रहता, वो एयर बैग का ऑप्शन लग गया जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो जब सामने से लगी थी ना उसके बाद से ये ऑप्शन आना स्टार्ट हुआ है, तो क्या पता कोई सेंसर वगैरह हिल गया, तो इसको हम लोग लाहौर जाके चेक करवा लेंगे। तो प्लान ये था कि इन सबको पकड़ के KFC जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में जाके शुगर वगैरह लगाएंगे, लेकिन स्कीम 3 में एक काम था। अभी हम लोग स्कीम 3 आए हैं, यहाँ पे आके पता चला गया इस KFC का ड्राइव थ्रू बढ़ गया भाई, अभी से ऑर्डर शॉर्डर पकड़ते और करो कर निकलते हैं। The next day. Good morning everyone. Welcome back to the next day. अब बारी है सरप्राइज की, जिस सरप्राइज का मैं आप लोगों को कल बता रहा था, और वो सरप्राइज खड़ा है मेरे अखां के बिल्कुल सामने, एंड माशाल्लाह द सरप्राइज इज सबर करो अभी इतना सरप्राइज नहीं है। 300G प्रीमियम, वो लोग जो सारे वो अभी अंदर बैठे हुए, कागज वगैरह सीन होते हैं, ट्रांसफर करने के सीन होते हैं, वो सारे इन लोगों ने करवा लिए। अहमद भाई और सुल्तान से भी मिलाते हैं, उन लोगों की खुशियां जरा आप लोगों को देखोगे ना आसमानों के ऊपर उन लोगों की खुशियां पहुंची हुई। लेकिन माशाल्लाह से ये गाड़ी है जो हमारे गैंग में एक न्यू एडिशन हो गया है इस प्यारी सी मार्क एक्सरसाइज के भी बड़े काम होने, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो है इसकी 300G प्रीमियम वाला सीन जो है ना, वो तबाही चीज़ है ये। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल होगा उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, जाके सब्सक्राइब भी कर देना, दरवेश गिराज के नाम से चैनल होगा, तो उस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे एक ब्लॉग भी आएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मार्क के साथ। ये वाली जो मार्क एक्स है ये भी दरवेश गिराज के अंदर होगी, तो चैनल होगा साथ में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो आप लोगों को दिखाएंगे। ये खड़ी तो खाना शाना खा के निकल आए, अब हम लोगों ने मोटरवे के लिए निकलना है, लेकिन ये है हमारे खालिद भाई जिनसे हमने गाड़ी ली। खालिद भाई हमारे जाने का टाइम हो गया है, ना रोको सानू, बस सिर्फ 1 मिनट आपने सिर्फ चाय पी, पिछले 10 मिनट से 1 मिनट बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, चले सही है ठीक है चाय। बहुत बहुत शुक्रिया और कसम से बिरयानी खाने की जो मजा आया, क्या मजे की बिरयानी बनाई। फाइनली वी आर बैक इन गुलबर्ग, वो देखो पीछे कौन आ रहा है, एंट्री चेक करो, ओह हैवान रुकना है इधर, आंदो 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 आंदो। इस गाड़ी की नंबर प्लेट भी बहुत मजे की है, ARK 250। ये
nice. अभी हमारे पास टाइम वो है, ये वाटर टैंक आ रहा है, मुझे इनसे अभी बहुत डर लगता है. इसी तरह का वाटर टैंक था जिसने स्कर्कोटो का था. मैं ये बता रहा था. ऑनेस्ट रिव्यू दो, किस तरह की गाड़ी लगी आपको? आउट क्लास, बहुत हमेशा से वो एक मार्क एक्स है, बाकी सारी लल्ली पंजी. मैं आप लोगों से ही बात करता हूँ, दिल में रिस्पेक्ट है हमेशा से मार्क एक्स के लिए. बल्कि मुबारक हो आप दोनों को भी, मुबारक हो. भाई ईद नहीं मिल रहे हैं. पिक बताओ, इसकी पिक किस तरह की? पावर बहुत ज्यादा है. यस, मोटर वे पे चल के मैं भी ट्राई करूंगा इसको, देखेंगे किस तरह चलती है. अभी जल्दी से घर चलते हैं और घर चल के सामान वगैरह उठाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया. अभी चलते हैं सामने जरा बैंक में कुछ कैश वैश निकाल लें, उसके बाद हम लोगों ने जाने I-8 की साइड से हम लोग जा रहे होंगे तो मोटरवे का रास्ता भी है, तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट आता है. अब मसला ये है कि जो ये गाड़ी भी हमने मार्क एक्स, ये इसके भी सारे के सारे शीशे 100% डेट पर इसके भी, तो थोड़ा बहुत इशू बनेगा. लेकिन मैंने उस इशू को हल कर लिए, एक दोस्त बना लिया मैंने चेक पोस्ट के ऊपर. उन भाई को हम लोग कॉल करेंगे, उनसे कहेंगे भाई हम लाहौर जा रहे हैं. ये टोटल 50,000 रुपए. ये साइड में रख तो, ये साइड में टोटल 50,000 है. ये वाली साइड, ये वाली बच्चा है तू. हम लोगों ने चेक पोस्ट से निकलना है, तो उसके लिए मेरे पास एक बंदे का नंबर है. इनको कॉल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? पहचान लिया मैं वो काली सिविक वाला, इलीगल नंबर प्लेट, काली शीशे. क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा, अभी हम लोगों ने ना लाहौर के लिए निकलना है, तो वहां से गुजरना होगा. ठीक है ओके. ओके जी, डन है. अल्लाह हाफिज़. जब वो रुके ना, आहिस्ता हो जाना, उसके बाद निकल जाना, भाग जाना. इतना चल बंदा है यार. पेट्रोल डलवाना है ना तुझे? आगे है सामने, अटक पे रुक. छह बज के 12 मिनट हो गए और अभी हम लोग I-8 आए हैं. सुल्तान का मैं वेट कर रहा हूँ, वो पीछे से आ रहा है. हमने जाके कॉल पकड़ना है, उसके बाद फिर निकलते सीधा मोटर वे. चेक पोस्ट हम लोग क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे नाके लगा के खड़े थे, लेकिन बस भाग गए वहाँ से. फिर मैं लग गया, ये रहा. तो फिलहाल टोल प्लाजा पे आ गए हैं और ये हैवान भी पीछे आ गया है. बहुत सारे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करता आ रहा है. कसम से इसके हाथ में एक बला चीज लग गई है यार, ये बहुत भागती है. कसम से मेरी आंखों के सामने से सुरली की तरह निकली है. मैं चलाऊंगा, ये पकड़ तू. मैं चलाता हूँ. हाँ, सही है. थोड़ी देर तक चेंज करते हैं. सही, तो ये रहा इंटीरियर इसका 300G प्रीमियम मार्क एक्स. वल्लाह क्या हसीन गाड़ी है. अब अगला स्टॉप सीधा सर्विस एरिया पे होगा, लेकिन सर्विस एरिया पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच होने लगा है 25th मई को, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी का मैच होने लगा. बहुत बड़ा मैच, और अगर आप लोग इस मैच के ऊपर बैटिंग करना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन सही साबित करना चाहते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 1xbet. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पिछले 10 सालों से इन बैटिंग वेबसाइट के ऊपर ये वाला राज करता आ रहा है. आप लोगों ने बस इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में एक लिंक लिखा गया, उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है. उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आप लोगों ने फिल कर देनी है. जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग फिल करोगे, तो प्रोमो कोड का सेक्शन आएगा. प्रोमो कोड के सेक्शन में आप लोगों ने मेरा प्रोमो कोड एंटर करना है, जो कि काकू1x. ये सारी चीजें फिल करने के बाद रजिस्टर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है. जैसे वंस आप लोग रजिस्टर हो गए, उसके बाद आप लोगों ने $5-$10 या जितने भी डॉलर्स आप लोग डिपॉजिट करेंगे, तो फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर आप लोगों को मिलेगा ₹26,000 का बड़ा सा बोनस. तो इस बोनस को आप लोग क्लेम करें, और 25th में मतलब कि जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे उसी दिन रात को ये मैच होने लगा है. पत्थरों से भर के मैं खुदा के सहारे, वही पूरे घर सपने, वही दिखाता रस्ते, वही सोने को छत्ते. ये दुनिया वाले समझे मुझे होश नहीं है, इंडस्ट्री है मुलाजिम मेरी दोस्त नहीं है, अंधेरे भी ये डरे मेरी रोशनी से, ना समझ को दोष दे वो सोच नहीं है. क्या लड़ूं इन मेहमानों से, क्या डरूं इन दीवानों से, क्या रहूं आसमानों पे और बादलों से गाने दे. वो डरे इन निगाहों से, जब स्टूडियो हो भाव में मैं लिख रहा अलग सालों से, जब समझे नहीं क्या मानोगे, ढूंढ बिल मुकाबले लड़े हुए हम तो मौत से, सड़क से शुरू हुए अब दिखे बिल बोर्ड पे, असला बिना लाइसेंस के लेके पहुंचूं मैं शूट पे. ये बिला वाला शोर इनको जाने वाले टोक दे, वो भी आशिक थे हमारे जो हमें कातिल बता रहे. मैंने देखे वो नजारे जब यहाँ जीने के थे लाले, फिर भी डरती है सलाह के कहती है इसको कौन संभाले, हमें लफ्जों के सहारे लोगों को जीना सिखा रहे. हम गड्डियां चेंज करते हैं. ओ, इसको पी पे लगाया नहीं, इसकी हैंड ब्रेक. अच्छा, ये कितने पे? साइड पे हो जाओ, मरेगा. चाबी किधर है? गाड़ी की चाबी दे, मैं अपने मोबाइल से वगैरह निकाल लूँगा. आराम से चलना, सही है. सर्विस एरिया पे पहुँचते हैं, और अब हम लोगों ने पहुँचना है रात में, अब नहीं जल्दी नहीं पहुँचते. ये अगर तुम एक्सप्रेस वे पे यकिया ना मारते ना, तो फिर अपडेट करने में ना लग जाते, पहुँच गए. चलो ओके,
आराम आराम से चलाएं, सही है। अभी लाहौर आने में 200 किलोमीटर रह गया और ये जो zigzag roads हैं इस्लामाबाद से नीचे जाते वक्त, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी स्पीड पे आ रहे थे, मेरी कुछ 60-70 की स्पीड थी, यहाँ पे लिमिट 40 की है, तो वो आगे आया, मुझे सही तरह कंफर्म नहीं है कि मुझे रोक रहा है, ट्रक को लेकर रोक रहा है, तो मैं तो निकल गया, साथ में सुल्तान पीछे पीछे आ रहा था, उसको पकड़ लिया। वो उधर हैवान पीछे पड़ा हुआ, कॉल भी नहीं उठा रहा, उसके पास ना लाइसेंस है, अभी अभी गाड़ी परचेज की, ना गाड़ी का कार्ड है। किधर है? यार तुझे मैंने बोला है तू मेरे पीछे पीछे आ, तू पागल है क्यों रुक रहे? उसने थोड़ी तुझे पकड़ लेना था बाजू से। चला जा, मैं आगे डबल इंडिकेटर लगा के खड़ा हूँ, जल्दी आ। और ये तू जा रहे, ये तू जा रहे, रुक रुक रुक, सबर कर मैं आ रहा हूँ। आओ भाई। किधर रुक गए थे यार सुल्तान? आप तुझे मैंने बोला कि मेरा मुझे फॉलो कर दो, है वो मेरे आगे आके, मुझे पता है कैसे वहाँ पे 40 स्पीड है लिमिट, तो हम लोग 70 पे जा रहे थे उस रोड के ऊपर। कितने कट हुए चलान? कितने कट हुए? अंकल मेरे पास वॉलेट नहीं है, मैं आईडी कार्ड भी नहीं था, मैं क्या वॉलेट नहीं है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है? क्या प्यारी गाड़ी है यार ये, कसम से। हाँ, दरवेश गैराज के नाम से चैनल होगा, तो आप लोगों ने चेक भी करना है, जाके सब्सक्राइब कर दो, सही है, मुझे नहीं पता, गाड़ी के रख दो सब्सक्राइब वाला बटन, और भी बहुत सारी गाड़ियां जो उस चैनल के ऊपर आएंगी, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना चाहिए उस चैनल के ऊपर। ले आगे ले, बस सेट है सुल्तान का व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने इसकी स्टार्टिंग किया व्लॉग की, वो देखो पकड़े खड़ा है, तो आप लोगों ने लाजमी जाके ना सब्सक्राइब कर देना, दरवेश गैराज के नाम से होगा, लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग भी आएंगे, एक तरह का हमारा ही चैनल। फाइनली लाहौर पहुंच गए हैं और अपने रूम में मैं वापस आ गया हूँ, थोड़ी सी शर्म खा ली है मैंने कि मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, जो कि 50 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद 50 दिन हो गए अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की, तो बस अभी रेस्ट रेस मारना है, ये जूस आया हुआ है इसको, और ये खैर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, जिससे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन लाजमी प्रेस कर दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल देन, बाय।